लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आज बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। हॉट सीट बनी इस सीट पर शिवसेना निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहां त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। तो वहीं आरएलपी से बागी हुए कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने बाड़मेर में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान आदर्श स्टेडियम में जनसभा को कई नेताओं ने संबोधित भी किया। आपको बता दें कि नॉमिनेशन जमा करवाने के दौरान पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट और इनके साथ ही पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, सालेह मोहम्मद, विधायक हरीश चौधरी साथ में मौजूद रहे। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को ही बाड़मेर पहुंच गए थे, जहां उतरलाई एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट का स्वागत किया। और आप देखिए कि इसके बाद वरिष्ठ कांग्रेसी हेमाराम चौधरी के घर पर पहुंचे। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी बेनीवाल की सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और इनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, निर्मल चौधरी सहित कई बड़े कांग्रेस नेता पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी और निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र सिंह भाटी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, मगर रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा और रैली नामांकन के अंतिम दिन ही होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।